जेलर पुस्तक का फिफ्थ एपिसोड। अधिक संपत्ति रखने वाले भी अनेक हानियों का शिकार बनते ही हैं। ये हमने पिछले भाग में देखा था। लेकिन संपत्ति अधिक हो तो सुकृत भी तो किए जा सकते हैं, अच्छे कार्य भी तो किए जा सकते हैं। इस प्रश्न पर पूज्य श्री इस पुस्तक में क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अति संपन्न लोगों के जीवन में पारिवारिक जीवन और प्रेम की बहुत कमी होती है। विचित्र बिजनेस होने के कारण से भोजन और नींद की टाइमिंग्स में बहुत गड़बड़ी होती है, जिसके कारण शरीर का स्वास्थ्य भी लगभग बिगड़ा हुआ रहता है। सतत बढ़ते जाते लोभ के कारण सतत चिंता और लोभ के चक्कर में किए गए नए नए साहसों में से किसी एक में भी घाटा हो जाए तो हृदय को ऐसा धक्का लगता है कि मानो व्यक्ति एकदम अपसेट हो जाता है। टेंशन के कारण जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, शुगर ऐसी अनेक बीमारियों का प्रवेश होता है। और सुख तो क्या, 100 करोड़ में से 150 करोड़ और 150 करोड़ बढ़कर 200 करोड़ हुए। बस इन अंकों में वृद्धि देखने का सुख और फिर इन सबको छुपा कर रखने की अलग टेंशन और चिंता। स्विस बैंकों में भारत के राजनेताओं के, अभिनेताओं के, उद्योगपतियों के 300 लाख करोड़ रुपए जमा है, ऐसा कहा जाता है ना। अंकों को देखकर खुश होते रहने का ये खेल है। इसके अतिरिक्त उन मालिकों को अपनी इस संपत्ति का कोई विशेष सुख मिलता भी होगा, सुख का तो पता नहीं, लेकिन यदि संपत्ति हो तो सुकृत किए जा सकते हैं ना। अहो भ्रांति ही, विष से जीवन मिलता है या मौत? निसंदेह मौत, लेकिन वैद्य के द्वारा दिया गया विष तो जीवनदाता बन सकता है ना। हाँ बिल्कुल बन सकता है, परंतु ऐसा किस्सा हजारों में एक ही बनता है, बाकी के हजारों मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। और जो एक दो जीवित रहते हैं वे भी उस विष को वैद्य द्वारा संस्कारित किया गया है इस कारण से। अतः विष का परिणाम मौत ही है, जीवन नहीं। बस इसी प्रकार संपत्ति के द्वारा पुण्य करने वाले भी विरल यानी कि कम या न के बराबर ही होते हैं। अधिकांश मनुष्य तो पाप करने वाले ही होते हैं। सुकृत करने वालों के जीवन में भी सामान्यतः पैसों के द्वारा जितना सुकृत होता है उससे अधिक तो पाप ही होते हैं। अरे दूसरे लोगों की क्या बात करनी, व्यक्ति को अपने ही जीवन के विषय में सोचना चाहिए कि संपत्ति में वृद्धि होने के बाद जीवन में पुण्य कार्य में वृद्धि हुई है या पाप कार्य में। जीवन के लिए अति आवश्यक हो उतनी आय से जो अधिक आय है वह अगर बंद हो जाए तो कितने ही पाप व्यक्ति के जीवन में से कम हो सकते हैं। प्रामाणिकता से यह चिंतन करने पर स्पष्ट रूप से यह अवश्य प्रतीत होगा कि संपत्ति में वृद्धि होने पर पाप दिन दुगना रात चौगुना की गति से बढ़ रहा है। अतः विष से जीवन मिलता है ऐसी बात को हम जिस प्रकार भ्रमणा कहेंगे उसी प्रकार पैसे हो तो सुकृत किए जा सकते हैं यह भी एक भ्रमणा ही है। यह बात हमें बिना किसी शंका के माननी ही पड़ेगी, यही वास्तविकता है। अब शैया पालक के दृष्टांत पर फिर से जाएंगे जो हमने एपिसोड 3 में देखा था। अधिक समय तक चलने वाले संगीत ने राजा की निद्रा में बाधा डाली। राजा ने शैया पालक से पूछा कि मुझे नींद आ गई थी, इस बात का तुझे पता नहीं था? शैया पालक ने उत्तर दिया कि राजन आप निद्राहीन हो गए हैं, यह बात मेरे ध्यान में थी परंतु। परंतु क्या, राजा ने टोकते हुए पूछा। शैया पालक ने कहा कि मधुर संगीत श्रवण का मुझे लोभ लग गया। यह बात सुनते ही राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही, चिल्लाते हुए कहा कि दुष्ट, मेरी आज्ञा का महत्व है या तेरे सुनने का, अब तेरा सुनना ही बंद कर देता हूँ। यह कहते हुए क्रोधित राजा ने सेवक के कानों में धधकता हुआ सीसा डलवा दिया। यह क्रोधित राजा किसका जीव था, भावी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का। तो कर्मसत्ता तो तीर्थंकर की आत्मा को तो छोड़ देगी ना, बख्श देगी ना, कि भले ही तूने अपराध किया है परंतु तू तो भगवान बनने वाला है, जा तुझे कोई सजा नहीं। क्या ये संभव है, क्या कर्मसत्ता तीर्थंकर आत्मा को बख्श देगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हालत में नहीं। तो क्या गंधर्व भगवंत को छोड़ देगी? असंभव। तो देवों को, इंद्रों को, राजाओं को, श्रीमंतों को और बड़े लोगों को? नहीं नहीं, कर्मसत्ता तो किसी को नहीं छोड़ती, ये बात तो अटल सत्य है। लेकिन पूज्य श्री कहते हैं कि मुझे लगता है कि कर्मसत्ता एक आदमी को अवश्य छोड़ती होगी। वह कौन? पूज्य श्री कहते हैं कि आप स्वयं यानी हम सब।
ये उत्तर सुनकर हर कोई कहेगा कि महाराज साहब आप ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है। उत्तर में पूज्य श्री कहते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हो सकता है। वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक मंत्रियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के घमंडी बेटे बेझिझक दुष्कृत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी मंत्री हैं, चाचा विधायक है हमारे, इसीलिए मुझे सजा नहीं होगी। क्या उन्हें ऐसा घमंड नहीं होता है? हाँ, सही है, होता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि गुनाह वही करता है जिसे सजा का भय न हो। अतः समय मिला और अनेकानेक पापों के कार्य शुरू, व्यापार में कदम कदम पर विश्वासघात, माया, छल, प्रपंच, निमित्त मिला और क्रोध, इतने निश्चिंत होकर आपको पाप करते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कर्म सत्ता अवश्य इनकी मौसी लगती होगी, इसीलिए इनको किसी भी प्रकार का दंड नहीं करती होगी। यह तो मेरी कल्पना है, अन्यथा कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। उसने तो प्रभु महावीर से भी कह दिया कि तू भले तीर्थंकर बनने वाला है, परंतु यह जो अपराध तूने किया है उसका दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। तैयार रहना, आज नहीं तो कल, लेकिन सजा मिलेगी ही। वो 18वें भव की सजा प्रभु महावीर को मिली 27वें भव में, और प्रभु के कानों में कीले ठोके गए। यहाँ पर पूज्य श्री हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, हमें इसका सही उत्तर देना है। प्रभु महावीर के कानों में कीले ठोके गए क्योंकि ऑप्शन ए, क्या प्रभु महावीर के कर्म दुष्ट थे? ऑप्शन बी, या फिर कीले ठोकने वाला ग्वाला दुष्ट था? इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन बनेगा करोड़पति? इस गेम शो में अमिताभ बच्चन करोड़पति हो गए, चैनल वाले करोड़पति बन गए, लेकिन देखने वालों में से कोई भी करोड़पति नहीं बनता। किंतु इस विश्व में कुदरत का भी एक गेम शो चलता रहता है। ऐसे प्रश्न कुदरत के द्वारा हमारे समक्ष रखे जाते हैं। सही उत्तर के लिए करोड़ों रुपए ही नहीं, हम कल्पना भी न कर सके, इतना बड़ा इनाम कुदरत हमें देती है। तो अब हमें जवाब देना होगा कि प्रभु महावीर के कानों में कीले ठोके जाने का कारण क्या था। ए, प्रभु महावीर के कर्म दुष्ट थे, या फिर ऑप्शन बी, कीले ठोकने वाला ग्वाला दुष्ट था। क्या सबका यही उत्तर होगा कि ऑप्शन ए, प्रभु महावीर के कर्म दुष्ट थे? हाँ बिल्कुल। तो क्या लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए, यह उत्तर पूर्णतः सही है। पूज्य श्री हम लोगों के जीवन संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि आपकी प्रिय पुत्री का विवाह हो गया, एक साल बाद वह 4 दिन के लिए आपके घर आई, यानी कि उसके मायके आई, और अपनी सास के विषय में शिकायत करना शुरू कर दिया कि मम्मी पापा मेरे दुखों की कोई सीमा नहीं है, मेरी सास सुबह से शाम तक मजदूरी करवाती है, घर में झाड़ू लगाओ, पोछा करो, कपड़े धो, बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, न शांति से खाने देती है, न पीने देती है, न चैन से सोने देती है, और बीच बीच में कटु शब्द के हंटर की मार भी चलती रहती है, मैं बिल्कुल त्रस्त हो गई हूँ। अब पूज्य श्री एक प्रश्न पूछते हैं कि आपकी पुत्री को उसकी सास का बहुत त्रास है, क्योंकि प्रथम विकल्प आपकी पुत्री के कर्म दुष्ट है, दूसरा विकल्प पुत्री की सास दुष्ट है, बोलिए कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल प्रथम विकल्प कि पुत्री के कर्म दुष्ट है। पूज्य श्री कहते हैं कि यह बात आप केवल मेरे समक्ष ही कहेंगे या घर जाकर अपनी पुत्री से भी कहेंगे? क्या आप पुत्री को समझा सकेंगे कि पुत्री दुष्ट तेरी सास नहीं है, दुष्ट है तेरे पूर्व में अर्जित कर्म? यह नियम सिर्फ सास बहू के विषय में नहीं बल्कि हर व्यक्तिगत संबंध में लागू होते हैं। यही उत्तर सही है, और इसी उत्तर के लिए कुदरत देती है एक भव्य पुरस्कार। इस विषय में एक और बात भी हमें समझनी है कि कौन बनेगा करोड़पति गेम शो में सही उत्तरों के लिए पुरस्कार दिए जाते थे, किंतु गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं था, जबकि कुदरत के इस गेम शो में सही उत्तर का पुरस्कार जितना भव्य है, गलत उत्तर का दंड उतना ही भयंकर है। यह पुरस्कार और दंड दोनों हमारी कल्पना से परे है, इस विषय में हम आगे विचार करेंगे, लेकिन यह उदाहरण केवल पुत्री के संबंधित नहीं है, सबके लिए यह लागू हो सकता है। कुछ भी सहन करने की बात आए तो यह बात लागू हो जाती है। पड़ोसी आफतों की गठरी है, कदम कदम पर परेशान कर रहा है, छोटा भाई हमारे विरुद्ध हो गया है, पड़ोस में, समाज में, बाजार में, हमारे विषय में अनेक गलत सलत बकवास करके सबको हमारे विरुद्ध बहका रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है,
जेठानी बड़ी कमजोर और गजब की आलसी है। इस कारण से देवरानी को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। काम क्या, चंट मजदूरी ही करनी पड़ती है। और कोई भी अच्छी वस्तु घर में आई तो स्वयं ले लेती है। और इतनी चतुर कि सास आदि स्वजनों के पास एवं मेहमानों के सामने देवरानी की कुछ न कुछ बुराई करती ही रहती है। और बेचारी देवरानी सबकी नजरों में गिर गई है। संसार में सहनी पड़ती ऐसी तो अनेक बातें हैं, एक्स वाई या जेड अनेक व्यक्तियों के कारण ऐसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी किसी एक ही व्यक्ति के कारण बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तब अपने आप से हमें यह प्रश्न पूछने पड़ेंगे, मैं एक्स वाई जेड इनके कारण परेशान हो रहा हूँ क्योंकि प्रथम विकल्प मेरे कर्म दुष्ट है, दूसरा विकल्प ये एक्स वाई या जेड ये लोग दुष्ट है। हर बार प्रथम विकल्प ही सही होता है। प्रकृति इस उत्तर का ही भव्य पुरस्कार देती है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तो जेलर है। जेलर कैदी को अंधेरी कोठरी में बंद कर दे, चाबुक से फटकारे, तरह तरह की मजदूरी करवाए, भूखा भी रखे, अरे न्यायालय से आज्ञा दी गई हो तो फांसी पर भी लटका दे, फिर भी वास्तव में वह दुष्ट नहीं होता। खुद का अपराध ही ऐसा होता है जिसके फल स्वरूप कैदी को ऐसी सजा भोगनी पड़ती है। यह बात हर किस्से में होती है। हर बार मेरे कर्म दुष्ट है, मेरे कर्म दुष्ट है, मेरे ही कर्म दुष्ट है, इस मंत्र का ही रटन करना होगा। दंड की अवधि या कठोरता को कम कराने के लिए यही एक उपाय है। प्रभु वीर के 12.5 वर्ष के साधना काल में कदम कदम पर घोर उपसर्ग आए हैं, परंतु क्या प्रभु ने कभी भी किसी उपसर्गकर्ता को दुष्ट माना है? फिर वह संगम हो या शूल पानी हो, कठपुतना वेंत्री हो या ग्वाला हो या अन्य कोई भी हो, इनमें से किसी भी उपसर्गकर्ता को प्रभु ने दुष्ट नहीं माना है। और इसी कारण से उनके प्रति द्वेष या दुर्भाव से वे बच सके थे। मेरे कर्म ही बुरे हैं, मेरे ही अपराध का दंड मुझे मिल रहा है, ये एक्स वाई या जेड तो मात्र जेलर है, समता पूर्वक सहन करने से ही मेरा दंड निर्मूल होगा, ऐसे विचारों से सहन शक्ति बढ़ती है, यह निश्चित है। और असह्य लगने वाले आघातों को भी जीव समता पूर्वक सहन कर सकता है। और फिर कुदरत भी समता पूर्वक सहन करने के भव्य पराक्रम को इनाम से पुरस्कृत किए बिना नहीं रहती है। क्षार तथा धोखा की मार सहन करने वाले कपड़ों को स्वच्छता एवं चमक का पुरस्कार प्राप्त होता है। अग्नि में तपने वाले स्वर्ण को शुद्धि एवं चमक का वरदान प्राप्त होता है। शिल्पी के हथौड़े की बिना टूटे मार सहन करने वाला पत्थर परमात्मा बनने की एवं विश्व पूज्य बनने की क्षमता प्राप्त करता है। जड़ तत्वों के लिए जो बात है वही बात जीवों को भी लागू होती है। जीवन में आने वाली पीड़ाओं को समता पूर्वक सहन करने वालों को पुरस्कार न मिला हो और ऊपर से दंड दिया गया हो, ऐसी एक भी घटना अनंत काल से कहीं भी दिखी नहीं है। उससे विपरीत पीड़ा देने वाले पर प्रहार करने वाला दंड का पात्र न बना हो, ऐसी कोई भी घटना आज तक दिखी नहीं है। यानी कि पीड़ा देने वाले पर प्रहार करने वाला भी दंड का भागी बनता ही है। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हमारा किसी प्रकार का दोष न हो, फिर भी कोई व्यक्ति अगर कदम कदम पर हमारा अपमान करता रहता हो तो यह तो घोर अन्याय ही हुआ ना। ऐसा अन्याय कहाँ तक सहन करना, इसके उत्तर में पूज्य श्री अद्भुत तर्क के साथ इस पुस्तक में क्या उत्तर देते हैं वो हम देखेंगे अगले भाग में, यानी एपिसोड 6 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।